दिस इज फुरुजन थिया। आज हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द बेबी बियर। स्टोरी के माध्यम से अपन बेसिक से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। स्टोरी में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के एक एक वर्ड का मीन डिफाइन करेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द बेबी बियर, ठीक है, एक छोटा भालू का बच्चा। ओके, बैग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द बेबी बियर फॉलोड हिज मम्मा। तो बेबी बियर जो है वो अपनी मम्मा को फॉलो कर रहा है, ठीक है, फॉलोड हिज मम्मा। मम्मा बियर वॉक थ्रू द वुड्स। मम्मा बियर जो है वो लकड़ियों के थ्रू आगे वॉक कर रही है। शी वॉज लुकिंग फॉर वेरीज टू ईट। वो जो है वो वेरीज को खाने के लिए ढूंढ रही है, ये कहीं से भी वेरीज मिल जाए और वो खा सके। सी फाउंड सम वेरीज, ब्लैक बेरीज। उसे कुछ ब्लैक बेरीज मिल जाते हैं। सी फाउंड मतलब मिल जाती हैं, सम ब्लैक बेरीज, ब्लैक बेरीज खाने का होता है ब्लैक बेरीज, ठीक है, वो मिल जाती है। सी स्टार्टेड ईटिंग दैम, वो उन्हें खाना स्टार्ट कर देती है। द बेबी स्टार्टेड ईटिंग दैम टू, उसका जो बच्चा होता है वो भी उसे खाना शुरू कर देता है। दे ऐट ऑल द वेरीज, वो सारी वेरीज को खा जाते हैं। दे ऐट खा जाते हैं ऑल द वेरीज, सारी वेरीज को। बेबी बियर वॉज फुल, बेबी बियर जो है वो फुल हो चुका है, वो फुल हो गया मतलब उसे अब आगे खाने की ज़रूरत नहीं है, उसका पेट फुल हो गया है। मम्मा बियर वॉज स्टिल एंग्री, जो बियर मम्मा थी वो अभी भी भूखी है। ओके, स्टिल एंग्री अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, हंग्री मतलब भूखी। सी स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, वो और आगे वॉक करना स्टार्ट करती है खाने की तलाश में। सी वॉन्टेड, वो चाहती है टू फाइंड, ढूंढना या मिलना, मोर बेरीज टू ईट, वो और ज़्यादा बेरीज ढूंढना चाहती है खाने के लिए। बेबी बियर ले डाउन, बेबी बियर जो है वो नीचे लेट जाता है, सो जाता है, बिकॉज ही वॉज फुल, क्योंकि उसका पेट भर गया, ही वॉज फुल। ही वॉन्टेड टू टेक अ नैप, वो एक थोड़ा सा क्या, नैप का मतलब एक विश्राम टाइप का, एक छोटा सा नैप होता है ना कि हाँ मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट करना है, तो वो एक छोटा सा नैप लेना चाहता है। ठीक है, जब हम थक जाते हैं तो 5-10 मिनट के लिए लेट जाते हैं ना थोड़ी देर, तो वो जो होता है वो नैप होता है। बट मम्मा बियर कैम बेक, मम्मा बियर जो होती है वो वापस आती है, कैम बेक वापस आती है। सी ग्राउल्ड, ग्राउल्ड मतलब घुर्राना, उस पर घुर्राती है। एट बेबी बियर, बेबी बियर के ऊपर घुर्राती है। ही अंडरस्टूड मामाज ग्राउल, वो उसके अपनी मम्मा की घुर्राने को समझ जाता है। अंडरस्टूड मतलब समझ जाना। वैन मम्मा ग्राउल, जब उसकी मम्मा जो है वो घुर्राती है, ही ओबेड, वो उसकी आज्ञा का पालन करता है। ही गोट अप, वो खड़ा होता है, एंड फॉलोड हिज मम्मा, और अपनी मम्मा को फॉलो करता है, वो खड़ा होता है और अपनी मम्मा को फॉलो करता है। समडे ही वुड टेक अ नैप आफ्टर मील, इसी दिन वो जब एक छोटा सा नैप ले रहा था खाने के बाद, समडे किसी दिन ही वुड टेक ले रहा था टेक अ नैप, एक नैप आफ्टर मीट खाने के बाद। ए स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब एक गिलहरी, रैन अप ए ट्री विद अ नट, एक बीज के साथ, नट मतलब एक बीज होता है एक तरह का, या फिर ये समझ लो कि अखरोट जो होता है, अखरोट की बाहर की खोली, अंदर उसके अखरोट सेफ होता है, उस तरीके का समझ लो आप। एक नट को लेके गिलहरी आती है, इट ड्रॉप द नट, वो उस नट को ड्रॉप कर देती है, एंड रैन बैक डाउन, और वापस नीचे चली जाती है टू द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर। इट पिक्ड अप द नट, और जो नट जो है वो उसको दोबारा से उठाती है, एंड लुक्ड एट बेबी बियर, और बेबी बियर जो होता है उसकी तरफ देखती है कि मतलब तुम भी खाओगे या फिर ऐसे कुछ इस तरीके से। देन इट रैन बैक अप द ट्री, और फिर वो वापस पेड़ की तरफ चली जाती है। बेबी बियर डिड नॉट लाइक नट्स, बेबी बियर जो होता है डिड नॉट लाइक मतलब डिड नॉट मतलब नहीं पसंद करता है लाइक नट्स, ठीक है। दे वर टू हार्ड टू ओपन, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा हार्ड होते ओपन करने के लिए। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे वर्ड्स को जो है वो डिस्क्राइब कर सकूँ। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।